टीपलांतरी ग्राम पंचायत में बहुत बड़े स्तर पर माइनिंग होता है और बहुत ज़्यादा खनन होता है जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है इतना सफ़ेद संगमरमर का खनन कार्य हुआ है अब जहाँ पर खनन कार्य हुआ है वहाँ पर निश्चित तौर पर नुकसान होता है उस नुकसान को उस मलबे के पहाड़ों को आज देखिए बड़े बड़े महानगरों में वेस्ट कचरे के मलबे के पहाड़ खड़े हो गए और वो बदबू फैला रहे हैं वो प्रदूषण फैला रहे हैं उसका हमने इस तरह से प्रयोग किया कि इन पहाड़ों पर देखिए आप जहाँ पर अपन खड़े हैं अभी ये वन्य जीवों के पानी पीने की व्यवस्था है यहाँ पर देखिए आपने इसको इस तरह से डिजाइन किया है कि इसके अंदर चूहा गिलेरी या कोई भी जानवर आराम से उतर कर पानी पीकर वापस बाहर निकल जाए अंदर मरे मरे नहीं यहाँ पानी पीकर इस पेड़ के ऊपर बैठेगा तो वो अपना खाया हुआ बीज कहीं से जहाँ से बीज खाकर आया है वो उस बीज को यहाँ पर डालेगा बीजारोपण करेगा हवाओं के साथ बीज आएगा और प्रकृति के साथ चलने चलने से ये सब काम धीरे 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 आगे बढ़ेगा अब देखिए सामने मलबे के पहाड़ दिख रहे हैं उन पहाड़ों पर हमने इसी तरह से मिट्टी की एक लहर बनाकर घास के बीजों का छिड़काव करके पेड़ों के बीजों का छिड़काव करके और ऊपर जंगल खड़े किए हैं और ये काम ऐसा नहीं कि पिपलांतरे में हुआ है पिपलांतरे से सीख कर राजस्थान की लगभग एक सौ पंचायतों में इस तरह से काम चला है और अब राजस्थान सरकार ने यहाँ पर एक ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया है जहाँ पर एक्स एन एन जे एन रैंक के अधिकारी बैठने लगे और वो बाहर से आने वाले लोगों को इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हम प्रकृति के साथ कैसे चलें गाँव में सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से खड्डे खोदना पहाड़ों के ऊपर ट्रेंचें खोदनी चेक डैम बनाना एनीकट बनाना और उस एनीकट के उस बरसात के पानी को उन पहाड़ों के ऊपर रोक कर इस ज़मीन के अंदर नमी पैदा करना ये काम पिपलांत्री के लोगों ने सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किया है जिससे आपने देखा सूखी पहाड़ियों के ऊपर आज चंदन नाग केसर कल्पृक्ष रुद्राक्ष आम नीम शीशम बरगद पीपल इस तरह के और बड़ी संख्या में आंवला एलोवेरा ये पौधे तैयार हो गए पेड़ बनने लगे हैं जिनके फल आने लगे और पहले खड्डे खोद कर पौधे लगा कर लोगों को रोज़गार मिला अब पानी पिला कर लोगों को रोजगार मिला अब उन पेड़ों से लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया ये एक चैन बन गई है एक सिस्टम बन गया है जिससे लोगों को आने वाले कई सालों तक प्राकृतिक आधारित रोज़गार मिलेगा अब देखिए इस धरती के ऊपर जितना अधिकार मेरा है उतना ही अधिकार गांव के तीतर मोर खरगोश पैंथर बंदर चूहा गिलेरी वो भी यहाँ जन्म हुआ है तो वो कहाँ जाएगा जंगलों को ख़राब कर दिया पानी को सुखा दिया अथा दोहन करके तो फिर वो गांवों की तरफ़ जाएगा और गांव में जाएगा तो या तो शिकार हो जाएगा किसी का या फिर शिकार करेगा दोनों में नुकसान है तो अगर इस तरह की व्यवस्थाएं हर ग्राम पंचायत अपने चारा गाँव में अपनी सरकारी ज़मीनों में कर ले और उसमें पानी डाल दे तो गाँव का वन्य जीव से जंगलों का वन्य जीव गाँव में नहीं आएगा और गाँव में नहीं आएगा तो फिर इंसानों के और वन्य जीवों के बीच में टकराट की स्थिति पैदा नहीं होगी ये पिपलांतरी में हमने प्रयोग किया जो बहुत सफल हुए हैं अभी अगर बात करें अपन ये आपका जो पहाड़ आपने डेवलप डेवलप किया आपने किया पूरा डेजर्ट आपने है इससे गांव के लोगों को कितना रोजगार और कितनी संभावनाएं है बढ़ी है आगे सबसे बड़ा काम तो ये हुआ कि उन पहाड़ों से जो प्रदूषण फैलता था हवा के साथ जो मिट डस्ट उठती थी बारिश जिससे सिलिकोसिस दमा और किस तरह की बीमारियां होती थी उस पर रोक लगने लगी है और एक मैसेज गया लोग सीखे अगर ऐसा भी हो सकता है क्या ऐसे मलबे के पहाड़ों पर भी जंगल खड़े हो सकते हैं क्या लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा है लोग इससे सीख कर और, और दूसरी जगह भी दूसरे पहाड़ों पर भी काम करने लगे और जब काम होगा काम किसने किया गाँव के लोगों ने गाँव के गरीब लोगों ने गाँव की विधवा विकलांग कमजोर लोगों ने सरकार की योजनाओं से काम किया है तो निश्चित तौर पर उनको रोजगार मिला है अपन बात करें तो वनस्पति पौधे जड़ी बूटियाँ किस तरह का आ, क्या है यहाँ पर केला लगा पहाड़ों के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर गोल्डन बांस लगा है गोल्डन बम्बू यहाँ पर कई वेरायटी के बांस लगे हैं यहाँ पर गन्ना लगा है पहाड़ों पर जहाँ पर मलबे के पहाड़ में आपको अभी लेकर चलूँगा तो ये सब काम मजबूत इच्छा शक्ति की वजह से अगर इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है ऐसा कोई काम नहीं पर हम लोग क्या सिर्फ बातें करते हैं ऑफिसों में बैठकर प्लानिंग करते हैं और धरातल पर काम करने के लिए हम तैयार नहीं हो पाते हैं और आज समय आ गया है कि हम धरातल पर काम करें और मेरे गांव के लोगों ने पिछले पंद्रह साल तक जो तपस्या की है उसका परिणाम आज ये आया कि मेरे गाँव की पहाड़ियाँ हरितिमा से भर गई है और इससे लोगों को रोज़गार मिल रहा है गाँव की गाँव की महिला आती है यहाँ पर मनरेगा में या सरकार की योजनाओं में मजदूरी करती है और शाम को यहाँ से घास का बारा बांधकर अपने पशुओं के लिए लेकर जाती है ये कितनी बड़ी उपलब्धि है गांव की ज़मीनें बची देखिए कितनी पर, कितना बड़ा काम हुआ कि गांव की कॉमन लैंड सामूहिक ज़मीनें चारा गायें बची गांव की बेटियों के नाम पर पेड़ लगे तो गांव की बेटी बची उसका सम्मान बचा गांव में जल संरक्षण का काम हुआ तो पानी बचा पेड़ लगे ये सब काम हुआ तो वन्य जीव बचे और इन सब के माध्यम से लोगों को रोज़गार मिलने लगा तो देखिए बेटी पानी पेड़ गोचर भूमि और वन्य जीवों को बचा कर, लोगों को प्राकृतिक आधारित रोज़गार देने का काम सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मेरे गाँव के लोगों ने किया है और अब हमारे गांव मेरा गांव पिपलांतरी पर्यटन ग्राम की तरफ बढ़ रहा है यहाँ टूरिस्ट आने लगे हैं यहाँ पर विदेशों से लोग आने लगे हैं हिंदुस्तान के कई कोने से सरपंच और आई अधिकारी आते हैं और इसको सीख कर अपने अपने क्षेत्र में ये काम कैसे हो सकता है इसकी प्रेरणा लेकर जाते हैं यानी कि माना जाए कि आज रोल मॉडल है हिंदुस्तान में पिपलांतरी देखिए पिपलांतरी के लोगों ने जो काम किया है मैं ये मानता हूँ कि काम सबसे बड़ा है काम रोल मॉडल है पिपलांतरी के लोगों ने जो काम किया उसकी वजह से हमारे गांव को आज पूरी दुनिया में सम्मान मिलता है